देशभर में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की थी। विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों तक दक्षिण महाराष्ट्र, गोवा तट के साथ साथ महाराष्ट्र तट पर 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। ओडिशा और राजस्थान में जारी लगातार बारिश से बाढ़ से हालात बन गए हैं। ओडिशा में अगले 2 दिन स्कूल बंद रहेंगे। राजस्थान के 14 जिलों में कम बारिश हुई है और 7 जिलों में भारी बारिश हुई है। वडोदरा में 35 साल का रिकॉर्ड टूटा। बाढ़ के कारण वडोदरा और आसपास के इलाकों में 5,700 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। अधिकारियों ने बताया कि शहर में बारिश से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वडोदरा में बारिश ने 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सड़कों पर मगरमच्छ तैर रहे हैं। सूरत में अब तक अधिकतम 159 मिमी बारिश दर्ज की जा चल प्रदेश में अब तक ऊना में रिकॉर्ड 226 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है। मौसम विभाग ने कहा अगले 5 दिनों में प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है, जबकि मध्य प्रदेश के 19 जिलों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। वडोदरा में भारी बारिश के बीच एक पुलिसकर्मी ने बच्ची की जान बचाई। पुलिस जब इंस्पेक्टर गोविंद चावड़ा की बहादुरी का वीडियो वायरल हो चुका है। गोविंद चावड़ा ने प्लास्टिक के टब में बच्ची को रख कर सिर पर रख दिया। इसके बाद गर्दन तक पानी में डूबकर 1.5 साल की बच्ची की जान बचाई। गोविंद चावड़ा के इस साहसिक काम की काफी तारीफ भी हो रही है।